इस न्यूज़ में आपका स्वागत है। चौक लखनऊ स्थित बड़ी काली जी मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है, इस मंदिर की स्थापना स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। साल भर यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। नवरात्रों में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और नवरात्रों में यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं माता के दर्शन के लिए। और क्या विशेष है बड़ी काली जी मंदिर में, आइए जानते हैं मंदिर के ट्रस्टी स्वामी संतोषा नंदगिरी महाराज जी से। इनसे बात की हमारे संवाददाता सर्वे सक्सेना ने। खड़े बड़ी काली जी मंदिर में आइए, जानते हैं यहाँ के ट्रस्टी महंत संतोषानंद गिरी जी से काली जी की महत्ता के बारे में और क्या है यहाँ पे, और अधिक आई बात करते हैं माँ स्वामी जी से। स्वामी जी, काली जी मंदिर की स्थापना कब हुई थी यहाँ पे और किसने की थी? नमस्कार प्यारे देशवासियों, नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि आपने पूछा कि यह मंदिर की स्थापना कब हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की खुद स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य जी ने किया था। आज से करीब 2 से 2.5 हज़ार साल वर्ष पूर्व इस मंदिर की स्थापना हुआ था और इसकी महिमा जग जाहिर है। आप देख सकते हैं नवरात्र के शुभ दिन पे यहाँ किस प्रकार से हज़ारों हज़ार लाखों लाख लोग यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। तो माँ की महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता, वो मन का भाव होता है। जैसा मन का भाव होता है, माँ के प्रति समर्पण का भाव होता है, तो वैसे बच्चों को लाभ मिलता है, वैसे साधकों को लाभ मिलता है। साधकों की मन्नतें पूरा होती हैं, इसलिए वो माँ के दरबार में आते हैं और अपने शीश माँ के चरणों में झुकाते हैं। यहाँ पे काफ़ी भक्तों की भीड़ रहती है नवरात्रों में भी या साल भर भी? ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र में जो लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और वो सालों भर उनकी इच्छाएँ पूरी होती रहती है, तो जो इच्छाएं पूरी हो जाती है तो बीच में आते ही रहते हैं, सालों भर यहाँ लोग आते रहते हैं। परंतु नवरात्रा के विशेष मुहूर्त है या माँ की विशेष पूजा अनुष्ठान की पद्धति है, तो नवरात्रा में विशेष लोग आते हैं, परंतु सालों भर यहाँ लोग आते रहते हैं। तो काली जी की पूजा का कोई विशेष अनुष्ठान भी होता है यहाँ पर? माँ काली की यहाँ विशेष अनुष्ठान होती है, हर दिन प्रातः 4 बजे अनुष्ठान शुरू होता है। माँ का आरती 16 श्रृंगार से, 56 भोग से एवं तमाम विधि विधिवत शास्त्रोक्त विधि से, वैदिक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोक्त उच्चारण विधि से माँ का पूजा होता है। अगर कोई भक्त यहाँ पे श्रृंगार वगैरह कराना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? यदि कोई भी भक्त श्रृंगार कराना चाहे तो वह हमारे कार्यालय में, बड़ी मठ काली मंदिर के कार्यालय में संपर्क करेंगे और उसके बाद उनको उस जैसी उनकी इच्छा होगी, माँ का जो भी श्रद्धा उनका श्रद्धा होगा उस अनुसार से कार्यालय से उनको सेवा दी जाएगी। तो ये नवरात्र का जो विशेष पूजन माताओं का होता है सभी देवियों का, तो इसमें क्या एक विशेष अनुष्ठान करना चाहिए जो माता जी जिस तरह से भी पूजा की जाए वो स्वीकार है, मतलब क्या कुछ भक्तों का आप जैसा बताना चाहें कि ये? देखिए ऐसा है, जो व्यक्ति ज्ञानी है उसके लिए तमाम अलग अलग पद्धति अलग अलग क्रियाएँ होती हैं। नवरात्रा ही एक ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें आप जो भी पाठ करेंगे, कोई व्यक्ति लक्ष्मी की चाहत रखता है, कोई व्यक्ति शक्ति चाहता है, कोई व्यक्ति भक्ति चाहता है, कोई व्यक्ति अपने कष्टों से मुक्ति चाहता है, तो जैसा जैसा व्यक्ति की चाहत होती है उन प्रकार से माँ का अलग अलग मंत्र होता है, अलग अलग क्रियाएं होती है। वह एक गुरु जानता है, तो वह अगर कोई शिष्य जानना चाहे गुरु जी हमें क्या करना चाहिए, तो एक अच्छा साधक अच्छा ज्ञान दे सकता है कि आपको माँ का इस प्रकार से पूजा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल का। मैं हृदय से केएस न्यूज़ का मैं हृदय से बहुत शुक्रगुजार आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय से पुनः बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय माँ काली।